कई सालों से जेल में है, मैं 3 सालों से जेल में हूँ, मैं कैसे साजिश रच सकता हूँ। शाइस्ता परवीन फरार है, असद फरार है। वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी, वो प्रचार में लगी हुई थी, इसलिए उनको फंसा दिया गया। 11 फरवरी को कौन लोग आपसे मिलने आए थे यहाँ पर? अधिवक्ता मिलने आते हैं तो एलआईयू बैठ के मुलाकात कराती है, कौन आएगा मुझसे मिलने? 11 50 कैमरे लगे हुए हैं, लोग मिलने के लिए आए थे और उनको नाम आया था। 50 कैमरे लगे हुए हैं, एलआईयू के सामने मेरी मुलाकात कराई जाती है, अधिवक्ता तक के सामने, बहाल के एलआईयू के सामने मुलाकात कराई जाती है। उस अधिकारी का साजिश रचूंगा, अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन 2 हफ्ते में निपटाने, आप जो बता रहे हैं अधिकारी का नाम लेके जाओ, अधिकारी का नाम लिफाफे माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अच्छा, किसने धमकी दी और क्या धमकी दी है, एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। तो नाम बताना, क्या दिक्कत है? आपके ऊपर आरोप है, इसीलिए आपको रिमांड पे मांगा जा रहा है। हाई कोर्ट का साफ आदेश है कि जो भी कानूनी कार्रवाई कोर्ट करना चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे कोर्ट से, मेरे भाई को जेल से निकाला गया। अच्छा, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी हो उसके लिए कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकती है। अशरफ आज और हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है मेरे लिए कि जब मुझे किसी भी वजह से जेल से, अगर जेल ट्रांसफर वगैरह के लिए निकाला जाता है तो वीडियोग्राफी हो और मेरे पसंद का अधिवक्ता मेरे साथ रहे, जो कि कोई नहीं है। जेल में बात हुई कोर्ट में मुलाकात हुई मेरी। क्या बोला आपके बड़े भाई? वो हमारे भाइयों के बीच की बात है, हम आपको कैसे बता सकते हैं? ये बताइए, सद्दाम जो आपका साला है उस पर कहा जा रहा है उसने यहाँ पे साजिश की जेल में, जो आप कह रहे थे हमने की, अब कह रहे हैं सद्दाम ने की, फिर कहेंगे हमारी भाभी ने की, ऐसे तो फिर बहुत से साजिश को नाम नहीं लिया। आपके ऊपर भी आरोप है, लेकिन सद्दाम क्योंकि जेल से बाहर था जब वो 11 तारीख को 9 लोग, मैं विधायक रहा हूँ, वो मेरा रिश्तेदार है, सादा है, बहुत सारे हमारे समर्थक, बहुत सारे जानने वाले। इसने कहा कि विधायक और एमपी जो है हत्या नहीं करवा सकते, इससे पहले भी आरोप लगे।